नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया, अब अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध मेघवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। यहां आपको बताते चले कि अर्जुन राम मेघवाल का जन्म 7 दिसंबर 1954 में हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब भाजपा के टिकट पर बीकानेर लोकसभा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार में वित्त और कंपनी मामला राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री को सरकार की तरफ से कार दी गई, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन भी साइकिल से ही पहुंचे थे। पूर्व नौकरशाह होने से सरकारी कामकाज की अच्छी समझ, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया। मेघवाल को प्रधानमंत्री मोदी की पसंद माने जाते हैं। मेघवाल की जीवन यात्रा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को प्रकाश में लाने का काम किया था, जिसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। बीकानेर के किस्मदेसार गांव के एक पारंपरिक बुनकर परिवार में जन्मे मेघवाल की शादी मात्र 13 साल की उम्र में हो गई थी। पिता के साथ बुनकर के रूप में काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीकानेर के श्री डूंगर कॉलेज में उन्होंने BA की डिग्री पाई और उसी संस्थान से वकालत की डिग्री भी हासिल की। यहाँ पर बताते चले कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मेघवाल ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्हें भारत डाक और तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर का पद मिला। राजनीति में उनकी शुरुआत तब हुई जब वो टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन का चुनाव लड़े और महासचिव चुने गए। टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए मेघवाल ने दूसरे प्रयास में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। लेकिन देखिए, अभी जिस तरीके से उनका पद जो है वो बढ़ाया गया है, उसको लेकर के कई सारे सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।